हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो किड्स, टुडे इज फ्राइडे। ऑन फ्राइडे वी विल रीड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या चल रहा था हमारा? यूनिट टू, ए पोइम आफ्टर ए बाथ। सो किड्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 16। आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद। Enjoy this poem. इस poem को मस्ती से पढ़ेंगे। After my bath, I try to wipe myself till I am dry. तो बच्चों क्या है, नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को wipe myself, अपने आप को सुखाने की, till I am dry, जब तक मैं पूरी तरह सोख नहीं लेता, मतलब अपने आप को टॉवल से सोख नहीं लेता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है हमारा? हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड ए शाइनी नोज। और मैं अपने हाथों से क्या करता हूँ, सुखाता हूँ अपनी फिंगर्स को। टोज क्या होते हैं? पैर की उंगलियाँ। एंड टू वेट लेग्स, और जो मेरी गीली टांगे होती हैं। एंड ए शाइनी नोज, जब मैं अपने नोज को साफ करता हूँ तो वो क्या करती है? शाइन करती है। एंड नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? जस्ट थिंक्स हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर ए डॉग एंड कुड शेक। इसमें क्या है, लड़का कह रहा है कि अगर मैं, इफ आई वर ए डॉग, कि मैं कल्पना करता हूँ कि मैं क्या हूँ, एक डॉग हूँ। तो डॉग अपने आप को नहाने के बाद कैसे ड्राई करेगा? वो क्या करता है, अपने आप को शेक करता है, हिला के करता है। जस्ट थिंक हाउ मच, तो उसमें क्या होगा, मेरे को बहुत लेस टाइम आई हैड टेकन, तो मैं बहुत कम टाइम लूँगा। ठीक है बच्चों, इसमें ये कह रहा है लड़का कि अगर मैं एक बॉय हूँ तो मैं नहाने के बाद ज़्यादा टाइम लेता हूँ, और मैं तब तक पहुँचता रहता हूँ जब तक मैं पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता। पर जो एक डॉग है, डॉग क्या करता है, नहाता है तो अपने आप को हिला लेता है, तो वो कम टाइम में क्या हो जाता है, ड्राई हो। जो ये जो पोइम है ये किसकी लिखी हुई है? एलिन फिशर की। ठीक है बच्चों, पॉइंट के नीचे इस पॉइंट का नाम है। नेक्स्ट क्या है, न्यू वर्ड्स, डॉग। डॉग मीन्स ए पेट एनिमल्स। तो क्या कर सकते हैं, आई हैव ए पेट डॉग, कि मेरे पास एक कुत्ता है। हाउ मीन्स कैसे, जब हम हाउस कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे हाउ आर यू। मैट क्या होता है, मिलना, ये पास्ट टेंस ऑफ मीट, सेकेंड फॉर्म है इसकी। I met my friend. Next, try. Try means कोशिश करना. To do something with some efforts. जब हम कुछ efforts के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं. I will try to finish my homework. And two means two. Numbers two. I have two pencils. मेरे पास दो pencils हैं. And next क्या है? Let's read. आओ पढ़ें. I try to save water. मैं पानी को बचाने की कोशिश करता हूँ। I have two ears, two legs, 10 toes and 1 nose. तो वो क्या कह रहा है, मेरे दो कान, दो टांगे और 10 पैर की उंगलियाँ हैं और एक नाक है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 17। लेट्स टॉक, आओ बात करें। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपने आंसर लिखने हैं। डू यू लाइक टू हैव ए बाथ, से वाई। क्या तुम स्नान करना पसंद करते हो, से वाई, और क्यों। डू की जगह क्या आएगा, यस के बाद कोमा, यस, यू की जगह आई, यस आई लाइक टू हैव ए बाथ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में से लेना है। ठीक है बच्चों, यस आई लाइक टू हैव ए बाथ एवरी डे टू कीप माई सेल्फ नीट एंड क्लीन। अपने आप को नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं हर रोज नहाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन यू वॉश योर सेल्फ, क्या आप अपने आप कर लेते हो स्नान, यस आई कैन वॉश माई सेल्फ। यू की जगह आई के साथ क्या लगता है, माई सेल्फ। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को सुखा लेते हो अपने आप। आई ड्राई माई सेल्फ आफ्टर ए बाथ विद ए क्लीन टॉवल। नहाने के बाद मैं एक साफ टॉवल के साथ अपने आप को ड्राई कर लेता हूँ। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राई इट्सेल्फ, क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो अपने आप को ड्राई करता हो। तो अगर आपके घर में कोई पेट है
तो आपने देखा होगा, तो आप क्या लिखेंगे? यस आई हैव सीन माय पेट डॉग ड्राइंग इटसेल्फ बाय शेकिंग। जैसे कि पोइम में बता रखा था, डॉग क्या करता है, शेक करके अपने आप को ड्राई कर लेता है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। हमने इस पोइम को पढ़ा, कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन आंसर करे, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, सो अब हम शाम को इवनिंग टाइम में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, टेक केयर।